और अजमेर की आज सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर होटल हॉलीडे इन से एक राज्य वैश्यवृत्ति रैकेट का भंडाफोड़ किया है पुलिस ने। अजमेर पुलिस की जो स्पेशल टीम थी उन्होंने देर रात एक कार्रवाई करी और 1 बजे इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया है। और इस वक्त मैं कोटरा जो बीके कोल नगर है वहाँ पर जो होटल हॉलीडे इन है उस होटल के बिल्कुल बाहर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। यहाँ से कल देर रात 1 बजे पुलिस ने कार्रवाई की है और कार्रवाई के अंदर जो पूरे वैश्यवृत्ति का जो रैकेट था उसको पकड़ा है, जिसमें लोग कई शामिल थे उनको गिरफ्तार किया है। पीटा एक्ट के तहत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और इसमें जो अजमेर के एसपी हैं कुंवर राष्ट्रदीप, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। हमने इससे पहले हम भी इस पूरी की पूरी वैश्यवृत्ति रैकेट की पड़ताल में लगे हुए थे। मार्च के महीने से लगातार हम ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एनडीटीवी इंडिया को उसमें सफलता नहीं मिली। और जो अजमेर के एसपी हैं उन्होंने एक विशेष टीम का गठन किया और उस पूरी स्पेशल टीम ने इस पूरे मामले को ट्रैप किया और उसके बाद में कल देर रात कार्रवाई की है। आपको बता दूं ये होटल अजमेर शहर के मशहूर व्यापारी और एक स्कूल संचालक हैं सूबे चौधरी, उनका है और उनके घर से ही ये जो होटल संचालक एक डमी के तौर पर बनाया गया था उनको गिरफ्तार किया गया है। सूबे चौधरी क्यून मेरी स्कूल चलाते हैं, उसके साथ साथ पुष्कर के अंदर एक उनका श्री नरावली नाम से रिसॉर्ट भी है और होटल हॉलीडे इन जो बीके कोल नगर में स्थित है ये भी उसके भी वो संचालक हैं। लेकिन जो पुलिस को सूचना दी गई है उसमें संचालक एक डमी के तौर पर किसी और को बनाया गया था। आपको बता देते हैं कि इसके अंदर जिन लड़कियों को बुलाया जाता था उनको तकरीबन 1 महीने तक अजमेर में पुष्कर में या फिर ब्यावर के किसी ना किसी होटल में रुकाया जाता था और ठेके पर इन लड़कियों को बुलाया जाता था जो कि सप्लायर के थ्रू वाया आती थी। और ये पूरा का पूरा जो काम है वो व्हाट्सएप पे तस्वीरें बेचकर ग्राहकों को तैयार किया जाता था। और इस पूरे मामले में जो खुलासा एसपी ने किया है वो मैं आपको अब सुनाता हूँ। देखिए, हमारे पास में लगातार कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि कुछ नंबरों पर अजमेर में कॉल गर्ल सप्लाई करने का काम हो रहा है, वैश्यवृत्ति की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। ये इन्फॉर्मेशन आने के बाद में हमने उन नंबरों का डिटेल निकालना शुरू किया, एक पूरी टीम लगा करके इस कार्रवाई को प्रारंभ किया गया। सीओ नॉर्थ यहाँ पर है, सीओ नॉर्थ और हमारे जो एडिशनल एसपी सिटी हैं इनको इस कार्रवाई के लिए लगाया गया। इसमें जो भी लड़के हैं जिन्होंने पहले भी इस तरह की कार्रवाइयाँ की हुई हैं या जो हमारी स्पेशल टीम के लोग हैं उन्हें अलग से लगाया गया, ये पता करने के लिए कि ये जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं लगातार उनमें कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो पूरी कार्रवाई करके ट्रैप करके उन लोगों को जो इसमें शामिल हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। कल रात में होटल न्यू हॉलीडे इन है कॉलनगर अजमेर में ही, जिसमें कि इस तरह की कार्रवाई गतिविधि होने पर सीओ नॉर्थ के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें कि अभिषेक नाम के व्यक्ति हैं जिनको कि मौके से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जो मैनेजर है होटल के उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक एजेंट है जिसके फ़ोन से लगातार कन्वर्सेशंस हो रहे थे, जिसके द्वारा इस पूरी सप्लाई का काम किया जा रहा था, जिसमें लड़कियों को बाहर से ला करके यहाँ पर रुकने रखाने का और उसके बाद में लोगों से डील करके लड़कियाँ उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा था। वो एजेंट का नाम मनीष है, जिसकी तलाश जारी है, वो मौके से फरार हो गया, उसकी तलाश जारी है। इसमें ये कार्रवाई हुई है, बाकी अभी अनुसंधान चल रहा है, हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या और भी कोई लोग हैं जिसमें शामिल हैं। हमने आपको बताया कि होटल मैनेजर हमने गिरफ्तार कर लिया है, होटल मैनेजर की जानकारी के बिना गलत आईडी देकर के कोई होटल में रुक नहीं सकता। जिस जगह पर व्यक्ति रुका हुआ है उस रूम की आईडी किसी और के नाम से चल रही है तो निश्चित रूप से मैनेजर को पता है कि वो क्या कर रहा है। इसमें और होटल के मालिक वगैरह की जानकारी में है या नहीं है उसका अनुसंधान हम कर रहे हैं, यदि कोई और भी इन्वॉल्व है तो वो कार्रवाइयाँ आगे भी की जाएंगी। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन से जो आएगा उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये इस तरह का रैकेट है कि इसमें जो एजेंट है वो बाहर से लड़कियों को बुलाता है, ऐसी लड़कियाँ जो कि इस तरह से पैसे बनाना चाहती हैं उनसे वो संपर्क रखता है और उन्हें 7 दिन 10 दिन के लिए अजमेर में ला करके कहीं पर रुकवाता है। उसके बाद में लोगों के साथ में व्हाट्सएप पर लड़की के फ़ोटो शेयर किए जाते हैं और रेट तय करके फिर वो लड़की को उपलब्ध करवाते हैं। उपलब्ध कराने वाली एक जगह के रूप में इस होटल में कल दबिश दी गई थी। देखिए, ये लड़की इसी होटल के किसी अन्य कमरे में रुकी हुई थी और उसको दस्तयाब अन्य कमरे से किया गया जहां पर कि वो उपलब्ध कराई गई थी। आपको बताता हूँ कि सूबे चौधरी
जो एक जाट महासभा राजस्थान की एक संगठन इन्होंने बना रखा है उसके भी अध्यक्ष हैं, उसके साथ साथ क्यून मेरी स्कूल के संचालक भी हैं। और जो न्यू हॉलीडे इन है जहां पर पुलिस ने कल देर रात अंतर्राज्यीय वैश्यवृत्ति रैकेट का भंडाफोड़ किया है, कार्रवाई की है, उसके बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। और आपको बताते हैं हम कि पीटा एक्ट आखिर लगाया क्यों जाता है। दरअसल पीटा एक्ट जो होता है उसका पूरा नाम होता है प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, यानी कि इस एक्ट के तहत अनैतिक देह व्यापार जहाँ होता है उसको रोकने के लिए 1956 में इस कानून को बनाया गया था और 1986 में इसमें संशोधन किया था। इस कानून के तहत अनैतिक देह व्यापार करने वाली कॉल गर्ल को 3 से 6 माह की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, और उसके साथ ग्राहक जो होते हैं जो पकड़े जाते हैं साथ में कॉल गर्ल्स के, उनके लिए कानून में अलग अलग तरीके की सजा है। पब्लिक प्लेस या नोटिफाइड एरिया में गिरफ्तार होने पर 3 माह की सजा है। कॉल गर्ल अगर 18 साल से कम उम्र की होती है तो ग्राहक को 7 से 10 साल की सजा हो सकती है। इस टीम के अंदर विशेष टीम जो गठित की गई थी उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। डॉक्टर प्रियंका उप अधीक्षक हैं पुलिस वृत्त उत्तर की, उन्हें लगाया गया था। उसके साथ साइबर सेल के मनोहर सिंह जो हेड कांस्टेबल हैं, रतन सिंह जो कांस्टेबल है, सुनील मील जो कांस्टेबल है, आशीष गहलोत जो कांस्टेबल है, महिपाल सिंह जो कांस्टेबल है उनको लगाया गया था। उसके साथ किशनगंज थाना पुलिस के भी 2 जवान लगाए गए थे, 2 कांस्टेबल लगाए गए थे, जिसमें मनोहर चंद हेड कांस्टेबल है उनको लगाया गया था, किशन जाजड़ा है उनको लगाया गया था। खास बात यह है कि MTTV इंडिया भी मार्च के महीने से लगातार ये वैश्यवृत्ति का रैकेट जो अजमेर शहर में चल रहा है उसको पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ था। पुलिस का सहयोग लगातार हम चाह रहे थे, सूचना भी MTTV इंडिया ने अजमेर SP कुंवर राष्ट्रदीप सिंह को दी थी, लेकिन हम उन जो पूरा का पूरा रैकेट है उसको ट्रैप नहीं कर पाए थे। लेकिन जो अजमेर SP ने जो विशेष टीम बनाई उसको ये सफलता हासिल हुई है और देर रात 1 बजे इस कार्रवाई को पूरा अंजाम दिया गया है। इस पूरे मामले के अंदर जो यहाँ के जो मैनेजर हैं उन्हें पकड़ लिया गया है, लेकिन जो एजेंट थे मनीष, जो सप्लायर थे जो यहाँ पे लड़कियों को कॉल गर्ल्स को लेकर आते थे, उनके साथ ग्राहकों के साथ में जो सप्लायर डील करते थे, वो जो मनीष है वो फरार चल रहा है। अभी तक पुलिस ने केवल 1 कॉल गर्ल को इसमें से पकड़ा है, लेकिन अभी जांच कुंवर राष्ट्रदीप SP जो अजमेर हैं उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे मामले में जाँच चल रही है और इसके अंदर रैकेट के अंदर जितने भी लोग शामिल हैं, जो पूरा का पूरा सेक्स रैकेट यहाँ से पकड़ा गया है उसकी भी गंभीर तलाश जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी लोग इस पूरे रैकेट के अंदर शामिल हो उनको पकड़ा जाए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सीधे तौर पर सूबे चौधरी पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि होटल के जो मालिक हैं न्यू हॉलीडे इन, उसके मालिक सूबे चौधरी हैं। और कहीं ना कहीं इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी होटल मालिक है उसकी बिना मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इतना बड़ा कोई काम, किसी अनैतिक काम किसी होटल में चल रहा हो और होटल के मालिक को पता ही ना हो। खैर, देखना होगा कि जो सूबे चौधरी हैं, जो जाट महासभा राजस्थान के अध्यक्ष भी हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MTTV इंडिया, अजमेर।